प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल में जो घटना घटी उसे लेकर आज पूरे देश में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या महिलाएं अपने ही वर्कप्लेस पर सेफ नहीं है, दूसरा कि क्या इस पूरे घटना के एविडेंस को छुपाने की कोशिश की गई थी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री एक महिला है वहां पर इस पूरे केस को सदरता से और काफी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। वही इस पूरे मामले में जब कोर्ट संलिप्त होता है, कोर्ट इस पूरे मामले में एक्शन लेता है और सीबीआई के पास ये पूरी घटना को जाने की बात सामने आती है, तब जाकर के जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सरकार। इस पूरे घटना पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है, जिसमें ममता बनर्जी से ही चिराग पासवान सवाल कर रहे हैं। वही यह भी कह रहे हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री खुद महिला है, फिर अब तक एक्शन कैसे दे? क्या कुछ कह रहे हैं चिराग, सुनिए। मेडिकल कॉलेज में उसमें या तो काम वाम का है या फिर नाम का है। सर, किसका है? या तो वाम का है या राम का है। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रहीं। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहाँ पर अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहां पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहां पर सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की सोच के विरुद्ध जाएगा। भैया आक्रोश है और ये आक्रोश हर व्यक्ति के मन में है, और ये घटना सिर्फ एक बंगाल की ही नहीं है, इससे आक्रोशित देश का हर एक व्यक्ति है, खास तौर पर महिलाएं, खास तौर पर युवाएं। आज भी भैया 21वीं सदी में भी अगर इस तरीके की घृणित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कल मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस में अपने संबोधन के दौरान इस बात को कहा है कि समाज को भी इस कर्तव्य को समझने की जरूरत है। आज किस मानसिकता का हम लोग शिकार हो रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा मिले, इस बात को सुनिश्चित केंद्र सरकार भी कराएगी और ये राज्य सरकार भी इस जिम्मेदारी को निभाए। सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ और भी कई तरह के सवाल किए। जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।